नमस्कार मित्रों, मैं शशांक और इस वीडियो में हम बात करेंगे शिव पुराण के विंदेश्वर संहिता के तीसरे अध्याय के विषय में, श्रवण कीर्तन और मनन साधनों की श्रेष्ठता। व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचनों को सुनकर सभी महर्षि बोले, भगवान आप वेद तुल्य अद्भुत एवं पूर्णमय शिव पुराण की कथा सुनाइए। श्री सूत जी ने कहा, हे महर्षिगण, आप कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेदों के साथ से प्रकट शिव पुराण की अमृत कथा सुनाइए। शिव पुराण में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का गान किया गया है। जब सृष्टि आरंभ हुई तो 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे कि अमुक वस्तु उत्कृष्ट है, अमुक नहीं। जब इस विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया तो सभी अपनी शंकाओं के समाधान के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उसका पोषण करने वाले हैं। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। वह देव महादेव ही सर्वज्ञ और संपूर्ण है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी भी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब ब्रह्म ऋषि धरती पर सहस्त्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करें। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से ही विद्या के सार तत्व साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव पद की प्राप्ति संध्या और उनकी सेवा ही साधना है, तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं वही साधक हैं। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फलों को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय है, तथा यही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साक्षात महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। कानों से भगवान का नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन में उनका मनन शिव पद की प्राप्ति के महान साधन है, तथा इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। अतः श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरु मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला वह विद्वान अन्य साधन कीर्तन और मनन की शक्ति वह सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है। मनन के बाद इस साधन की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है और अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा, उनके नाम का जप तथा उनके रूप गुण विशाल का हृदय में निरंतर चिंतन को ही मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इन साधनों को ही प्रमुख साधन कहा जाता है। इति श्री शिव पुराण विद्येश्वर संहिता तृतीय अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ बात कर लेते हैं चौथे अध्याय के विषय में, सनत कुमार व्यास संवाद। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस साधन का महत्व बताते समय मैं एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। बहुत समय पहले की बात है, पारसर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार वहां जा पहुंचे। जगने पर अपने सामने सनत कुमार जी को देखकर वह बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें अर्घ देकर योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर सनत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कल्याणकारी है। यह जब जीवन में आ जाता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला। इसे काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह सदा एक समान रहता है। सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्व काल में दूसरे अनेकानेक साधनों के भ्रम में पड़ घूमता हुआ तपस्या करने मंदरांचल जा पहुंचा। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी नंदिकेश्वर वहां आए और स्नेहपूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्रोत है। यह बात मुझे स्वयं देवादिदेव भगवान शिव ने बताई है, अतः तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर अनुगामियों सहित सनत कुमार ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृत्तांत का संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी,
आपने श्रवण कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ है वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है, किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। इति श्री शिव पुराण विद्येश्वर संहिता चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ बात कर लेते हैं पांचवें अध्याय के विषय में, शिवलिंग का रहस्य एवं महत्व। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, श्रवण कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सुगम नहीं है। इसके लिए योग्य गुरु और आचार्य चाहिए। गुरुमुख से सुनी गई वाणी मन की शंकाओं को दूर करती है। गुरुमुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप स्वरूप के दर्शन और गुणानुवाद में रसानुभूति होती है, तभी भक्त कीर्तन कर पाता है। यदि ऐसा कर पाना संभव ना हो तो मोक्षार्थी को चाहिए कि वह भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके रोज उनकी पूजा करें। इसे अपनाकर वह इस संसार सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा आसानी से भक्तिपूर्वक की जा सकती है। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार धनराशि से शिवलिंग एवं शिव मूर्ति की स्थापना कर भक्ति भाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्रों की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए, तथा पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध, दीप तथा पुआ और तरह तरह के भोजन नवेद के रूप में अर्पित करने चाहिए। श्री शिव जी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित भी हैं और कला सहित भी हैं। मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की शंकर जी को ही ब्रह्म पदवी प्राप्त है। कलापूर्ण भगवान शिव की मूर्ति पूजा भी मनुष्यों के द्वारा की जाती है और वेदों ने भी इस तरह की पूजा की आज्ञा प्रदान की है। संत कुमार जी ने पूछा, हे नंदिकेश्वर, पूर्व काल में उत्पन्न हुए लिंग बेर अर्थात मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार से बताइए। नंदिकेश्वर ने बताया, मुनीश्वर, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध हुआ तो उनके बीच स्तंभ रूप में शिव जी प्रकट हो गए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण। उसी दिन से महादेव जी का लिंग के साथ साथ मूर्ति पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया। अन्य देवताओं की साकार अर्थात मूर्ति पूजन होने लगी, जो कि अभिष्ट फल प्रदान कराने वाली थी, परंतु शिव जी को लिंग और मूर्ति दोनों ही रूप में पूजा जाने लगा। इति श्री शिव पुराण विद्येश्वर संहिता पंचम अध्याय संपूर्ण। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।